हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल क्रिकेट ज्ञान पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से T20 क्रिकेट आया है, तब से बल्लेबाज पहले से और ज़्यादा आक्रामक होकर क्रिकेट खेलने लगे हैं। दोस्तों, इसी को देखते हुए आज हम मेरी इस वीडियो के जरिए बात करेंगे भारतीय टीम के उन टॉप 5 बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने एक T20 मैच में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि कौन से हैं यह टॉप 5 बल्लेबाज। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं भारतीय टीम में हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा। दोस्तों, अगर बात की जाए टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा के बारे में, तो इन्होंने साल 2016 में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए T20 मैच में मात्र 43 गेंदों पर 118 रनों की शानदार पारी खेली थी। रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी के दौरान 10 जबरदस्त छक्के जड़ दिए थे। दोस्तों, इस लिस्ट में 4थे नंबर पर आते हैं टीम इंडिया के लिए टेस्ट में ओपनिंग करने वाले बल्लेबाज मुरली विजय। दोस्तों, अगर बात की जाए इस दाएं हाथ के बल्लेबाज के बारे में, तो इस बल्लेबाज ने चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मात्र 56 गेंदों पर 127 रनों की तूफानी पारी खेली थी। मुरली विजय ने अपनी इस पारी के दौरान 11 जबरदस्त छक्के लगा दिए थे। दोस्तों, इस लिस्ट में 3रे नंबर पर आते हैं भारतीय टीम में बतौर विकेट कीपर खेलने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋषभ पंत। दोस्तों, अगर बात की जाए टीम इंडिया के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज के बारे में, तो इस बल्लेबाज ने दिल्ली की ओर से खेलते हुए हिमाचल प्रदेश के खिलाफ अंडर 19 टूर्नामेंट में मात्र 38 गेंदों पर 116 रनों की तूफानी पारी खेली थी। ऋषभ पंत ने अपनी इस पारी के दौरान 12 जबरदस्त छक्के लगा दिए थे। दोस्तों, इस लिस्ट में 2रे नंबर पर आते हैं भारतीय टीम में नंबर 4 की पोजीशन पर खेलने वाले दाएं हाथ के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। दोस्तों, अगर बात की जाए श्रेयस अय्यर के बारे में, तो इस बल्लेबाज ने मुंबई की ओर से खेलते हुए सिक्किम के खिलाफ मात्र 55 गेंदों पर 147 रनों की तूफानी पारी खेली थी। श्रेयस अय्यर ने अपनी इस पारी के दौरान 15 जबरदस्त छक्के लगा दिए थे। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे ऊपर पहले नंबर पर आते हैं भारतीय टीम में नंबर 7 की पोजीशन पर खेलने वाले ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। दोस्तों, अगर बात की जाए हार्दिक पांड्या के बारे में, तो इन्होंने साल 2020 में ही DY पाटिल टूर्नामेंट में रिलायंस की ओर से खेलते हुए मात्र 58 गेंदों पर 158 रनों की तूफानी पारी खेली थी। हार्दिक पांड्या ने अपनी इस पारी के दौरान रिकॉर्ड 20 छक्के लगा दिए थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।